नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आपका इग्नू वाला में फिर स्वागत है और ये आपकी लाइव क्लास है। उम्मीद है आप सब जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ ही जाएंगे। तो वो मैटर नहीं करता कि आप जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, पर ये मैटर जरूर करता है कि अगर आप एक बार इस लाइव क्लास में जुड़ जाते हैं तो क्या आप कंटेंट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं नहीं करते। अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल 15 से 20 मिनट पहले एक बच्चे की कमेंट आती है कि सर थोड़ा सा ना आपूर्ति के बारे में बता दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपूर्ति वाला चैप्टर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मांग और आपूर्ति वाले चैप्टर दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिश्रित है। एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं आप कि दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं, इसलिए मिक्सचर से लगते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कमेंट को अनदेखा कर दिया जाएगा। जो आप जैसे कहेंगे वैसे आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए हैंड टू हैंड मैंने आपके लिए छोटी सी पीपीटी बनाई है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मेरे भाई आपूर्ति का भी लग जाए। तो चलिए इस क्लास को करते हैं शुरू। ये सब्जेक्ट कोड आपका लिखा हुआ ही है, इसलिए मैंने आप अब की बार लिखने का काम थोड़ा सा कम कर दिया है और सारा काम मैंने केवल और केवल आप पे छोड़ दिया मेरे भाई। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस क्लास को बहुत ध्यान से आपको देखना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि लाइव क्लास आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट चले, क्योंकि अब एग्जाम में आपका ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस क्लास को बहुत ध्यान से देख के चले जाना, भले ही आप इसके नोट्स मत बनाना। तो पहला टॉपिक आपका ये बनता है कि आपूर्ति की अवधारणा क्या है, क्या होती है हमारी आपूर्ति। डन मेरे भाई। तो आपूर्ति जिसे हम सप्लाई कहते हैं, जैसे हमने मांग पढ़ी थी तो मांग का मतलब होता था एक उपभोक्ता द्वारा बाजार में जाकर कुछ वस्तुएं खरीदना, क्या कहलाता था मेरे भाई, मांग कहलाता था। इसी तरीके से एक उत्पादक द्वारा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, उत्पादक की मेरे भाई, किसकी बात करेंगे हम, उत्पादक की। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आपूर्ति कहते किसे। आपूर्ति बोले तो मेरे भाई सप्लाई, आपूर्ति बोले तो मेरे भाई सप्लाई। सप्लाई क्या होती है, आप इसकी डेफिनेशन ही लिख सकते हैं कि एक उत्पादक द्वारा बाजार में वस्तु की बेची गई मात्रा। तो वस्तु की बेची गई मात्रा क्या कहलाती है मेरे भाई, वस्तु की बेची गई मात्रा आपकी कहलाती है क्या, पूर्ति। तो ये बात आपको याद रखनी है, सप्लाई जिसे हमेशा एस से हम डिनोट करते हैं तो सप्लाई क्या होती है, हम ऐसा मान सकते हैं कि वस्तु का उत्पादन के बराबर, क्या हम इसे कह सकते हैं कि वस्तु का जितना उत्पादन होगा लगभग उतनी उसकी सप्लाई की जाएगी। और सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई को आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि यदि कोई विक्रेता जो है हमारा, कोई उत्पादक जो है, ये बाजार में वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए लेकर बैठा है वो सब वस्तु की आपूर्ति कहलाती है मेरे भाई, वो सब क्या कहलाती है, वस्तु की आपूर्ति कहलाती है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपसे पेपर में वो पूछ ले, एग्जामिनर आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मुझे टेबल बना के दिखा दो, तो आप टेबल बना के दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक तरफ तो ले लिया एक्स वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ मैं एक्स वस्तु की सप्लाई ले रहा हूँ मेरे भाई। एक तरफ मैं ले रहा हूँ एक्स वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ एक्स वस्तु की सप्लाई मेरे भाई। डन, इतनी सी बात आपको क्लियर होगी होगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी ये बात है, मैंने आपसे कहा कि एक वस्तु की कीमत इस तरीके से बढ़ती है, एक रुपया हुआ, दो रुपये हुई, तीन रुपये हुई, चार रुपये हुई। डन, तो चार रुपये तक वस्तु की कीमत ये बढ़ रही है, तो ये रुपये में है, याद रखना ये वस्तु की कीमत रुपये में है। डन, तो जब वस्तु की कीमत एक रुपये थी तो उपभोक्ता पेन बेचना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स वस्तु है, ये एक्स वस्तु क्या है मेरे भाई, पेन है, जिसे ये मार्केट में लेके बैठा है। इतनी बात आपको याद रखी जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ो, चीज़ों को समझने की और कोशिश करो। अब आपसे कहा गया है कि जब वस्तु की कीमत यानी पेन की कीमत एक रुपये थी तो एक उपभोक्ता 10 खरीदता है। जब एक उपभोक्ता 10 खरीदता है, नहीं, एक विक्रेता 10 बेचता है। तो जब वस्तु की कीमत एक रुपये थी तो मैं बाजार में कितने पेन बेचने के लिए बैठा, 10 पेन बेचने के लिए बैठा। जैसी वस्तु की कीमत दो रुपये हो गई तो अब मैं ज़्यादा बेचूंगा भाई, सीधी सी बात है, मुझे ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो मैंने कहा अब मैं 12 पेन बेचूंगा अगर कीमत दो रुपये है। फिर कीमत तीन रुपये हो जाती है तो मैंने कहा मैं 15 पेन बेचूंगा। जब कीमत चार रुपये हो जाती है तो मैं 20 पेन बेचूंगा। एक बात आपको समझ में आई, क्या समझ में आई, इस टेबल को देख के एक बात तो आपको क्लियर होगी होगी कि आपूर्ति और कीमत का सीधा संबंध पाया जाता है मेरे भाई। आपूर्ति और कीमत का कैसा संबंध होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है और अगर कीमत घटती है तो सप्लाई घटती है, क्योंकि कीमत बढ़ने के साथ उपभोक्ता तो क्या करेगा, मांग भले ही कम करेगा लेकिन जो विक्रेता होता है, बेचने वाला, उसका लाभ बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक वस्तु को बेचने वाले हैं, आप ये व्यक्ति हैं जो पेन बेचने बैठे हैं वहाँ पर, इतनी सी बात आपको याद रही कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो वहाँ पर पेन बेचने के लिए बैठे हैं मेरे भाई। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक रुपये में पेन बेचना पड़े तो आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं 10 पेन बेचूंगा, लेकिन अचानक मैं आपसे कहूँ कि आपको एक रुपये का एक पेन बेचने की जरूरत नहीं है, आप दो रुपये का भी बेचेंगे तो भी बिकेगा, तो आप सीधी सी बात है, जायज सी बात है कि आप 10 से थोड़े ज़्यादा पेन बेचने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि भाई मैं तो 10 से ज़्यादा 12 पेन बेचूंगा इस बार। अगर आपको 3 रुपये कीमत मिलेगी तो आप 15 पेन बेचने के लिए तैयार होंगे, अगर आपको 4 रुपये कीमत मिलेगी आप 20 पेन बेचने के लिए तैयार होंगे। तो कुल मिला के एक बात हमें सीधी सी समझ में आ गई कि कीमत बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ती चली जाती है और कीमत घटने के साथ सप्लाई घटती चली जाती है। इसे ही आपूर्ति का नियम कहते हैं मेरे भाई, इसे ही क्या कहते हैं हम, इसे ही आपूर्ति का नियम कहते हैं मेरे भाई,
इसे क्या कहते हैं हम, आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि मांग सॉरी पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है। आपूर्ति का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु की कीमत, आप इसे नोट कर लेंगे, किसी भी वस्तु की कीमत और पूर्ति में, कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध होता है, किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति में मेरे भाई सीधा संबंध देखने को मिला है हमें अभी तक। कैसा संबंध? सीधा संबंध। डन, इतनी सी बात आपको याद रहेगी कि कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, जो मैंने आपको बता दिया। कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटने से पूर्ति घटती है। वो चीज़ आप यहाँ भी दे सकते हैं कि कीमत लगातार बढ़ रही है और पूर्ति भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो एक तरफ कीमत बढ़ना पाया जा रहा है और दूसरी तरफ सप्लाई भी बढ़ रही है, तो यही सीधा संबंध आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर पूर्ति की आपसे डेफिनेशन पूछे पेपर में, तो आप लिखेंगे कि उत्पादक द्वारा बाजार में वस्तु की बेची गई मात्रा को पूर्ति यानी सप्लाई हम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आपूर्ति की अवधारणा समझ में आ गई होगी मेरे भाई, आप इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। डन, उम्मीद है आपकी हर कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्लास जरूर प्रोवाइड करा रहा हूं। ये बिल्कुल एग्जाम से पहले की तैयारी जो आपकी एग्जाम में 100% आनी है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं आपूर्ति के नियम की। आपूर्ति का नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरे भाई। आपूर्ति का नियम हमें यह कहता है कि किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत के घटने से पूर्ति घट जाती है। तो सीधा संबंध क्या हुआ कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में सीधा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। एक यदि बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल ये कीमत है, ये पूर्ति है, अगर कीमत बढ़ेगी तो ये पूर्ति को खींचकर ऊपर लेके आएगी, कीमत घटेगी तो ये पूर्ति को खींचकर नीचे लेके आएगी। कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध पाया जाता है, एक बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी दूसरी घटेगी। इसे ही आपूर्ति का नियम कहते हैं, जो मैंने अभी आपको टेबल से दिखाया था मेरे भाई। अब मैं आपको यही चीज दिखाऊंगा डायग्राम से, आपूर्ति का नियम। अब आप वक्र से देख लो मेरे भाई, वक्र भी बना लेना जो मैं यहां बना रहा हूं आपके लिए। देखो आपूर्ति का वक्र कैसा होता है। आपूर्ति का वक्र जो सीधा सहसंबंध दिखाता है वो कुछ इस तरीके से आपका बनने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे तो लिखना मेरे भाई सप्लाई यानी कि पूर्ति, यहां क्या लिखना मेरे भाई सप्लाई। डन, इस पर यहां पर कुछ नंबरिंग आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40 लिख लिया। और यहां पर आप 1, 2, 3, 4, 5 रुपए तक कीमत हो रही है। ये क्या है, वस्तु की कीमत। आपूर्ति वक्र हमेशा इस तरीके का बनता है मेरे भाई, सप्लाई वक्र है ना, हमेशा एक सीधी रेखा होता है ऊपर की तरफ। डन, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, अगर वस्तु की कीमत कितनी थी, 2 रुपए थी, ठीक है, तो सप्लाई कितनी की जाती थी, इतनी की जाती थी 10 इकाइयों तक की। तो ये सप्लाई थी पहले मेरी, इतनी तो आपको बात समझ में आई गई होगी। लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़कर 4 रुपए हो गई तो सप्लाई भी भाई सीधे सी बात है बढ़ेगी, सप्लाई बढ़कर 30 हो गई। तो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी जिसे आप हाईलाइट भी कर लेंगे मेरे भाई। एक बात आपने क्या नोटिस की कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की सप्लाई भी बढ़ती है। तो यही दिखाता है सीधा संबंध। ये क्या दिखाता है, सीधा संबंध दिखाता है कि जब वस्तु की कीमत यहाँ से बढ़कर यहाँ पहुँच गई तो सप्लाई यहाँ से बढ़कर यहाँ पहुँच गई। तो ये एक बात दिखाता है कि कीमत के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन को हम आपूर्ति का नियम कहते हैं। डन, डायग्राम समझ में आया मेरे भाई, जो मैंने आपके लिए बनाया बिल्कुल रफली डायग्राम, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपूर्ति फलन क्या होता है। आपूर्ति फलन क्या होता है, आपको पता है किसी भी वस्तु की आपूर्ति में, ये डेफिनेशन आप लिख लेना, किसी भी वस्तु की आपूर्ति और कारकों के बीच, कारक जो होते हैं उत्पादन, कारकों के बीच जो संबंध होता है, कारकों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे आपूर्ति फलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु की जब आप आपूर्ति करते हैं तो आपूर्ति करने से पहले उसका उत्पादन करना होता है मेरे भाई, ये तो आपको पता ही होगा। तो किसी भी वस्तु की कीमत मान लीजिए, ये कारक मान लीजिए, आपूर्ति कारक या आपूर्ति और कीमत के बीच जो संबंध होता है उसे हम आपूर्ति फलन से डिनोट करते हैं भाई। किससे डिनोट करते हैं, आपूर्ति फलन से डिनोट करते हैं। आपूर्ति तालिका क्या होती है, जिसे हम आपूर्ति अनुसूची भी कहते हैं मेरे भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, आपूर्ति अनुसूची भी कहते हैं। पीछे मैंने अभी आपको एक सेकंड पहले वीडियो में जो पिछला हमारा वो था पेज था, इससे पिछला वहाँ पे कभी टेबल बनवाई थी, उसे ही हम आपूर्ति तालिका कहते हैं। एक ऐसी तालिका जो हमें ये दिखाए कि कीमत के बढ़ने से आपूर्ति बढ़ती है और कीमत के घटने से आपूर्ति घटती है, जो तालिका हमें ये संबंध दिखाती है उसे आपूर्ति तालिका कहते हैं। आपूर्ति वक्र क्या होता है मेरे भाई, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए इसे बनाए हुए, ये रहा आपका आपूर्ति वक्र, बना के दिखा दिया, ठीक है, यही आपूर्ति के नियम को भी दिखाता है। आपूर्ति के नियम के अपवाद क्या हैं, आपूर्ति के नियम के अपवाद,
अपवाद क्या होते हैं, जहां पर आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता मेरे भाई, जहां पर आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं क्या, आपूर्ति के नियम के अपवाद कहते हैं मेरे भाई उन्हें हम। डन, इतनी सी बात आपको याद रहेगी। अब कहां कहां ये नियम लागू नहीं होता, तो वहां नियम लागू नहीं होगा जहां पर कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध ना हो, जहां पर कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध ना हो, यानी कि जहां कीमत बढ़ने पर आपूर्ति ना बढ़ाई जा सकती हो। तो भाई सीधी सी बात है, दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं दुर्लभ वस्तु की, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, दुर्लभ वस्तु है, सोना चांदी है, दुर्लभ वस्तु है। अब फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल की कीमत अगर 2000 रुपये कर दूँ, तो एकदम उसकी आपूर्ति बढ़ा सकते हो आप, नया पेट्रोल तुरंत बना के ले आओगे? नहीं, करोड़ों साल लाखों साल लग जाते हैं पेट्रोल बनने में। तो दुर्लभ वस्तु के साथ आपूर्ति का नियम पूरी तरीके से लागू नहीं होता। सोना चांदी, अगर मैं सोना 1 लाख रुपये आपको कीमत दूँ और आपसे कहूँ कि मेरे को इतना सोना ला कर जितना दुनिया में भी नहीं, क्या आप ला पाओगे? तो आपूर्ति केवल उन वस्तुओं की जा सकती है कीमत बढ़ने पर जो संभव है। असंभव और दुर्लभ वस्तुओं के साथ आपूर्ति का नियम लागू मेरे भाई नहीं होता, ये वाली बात आपको याद रखनी है। डन, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आपको बुक में मिल जाएंगे आपूर्ति के नियम के अपवाद, एक बार खोल कर देख लेना और पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं आपूर्ति, आपूर्ति में परिवर्तन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे भाई कि आपूर्ति में परिवर्तन बनाम, बनाम का मतलब होता है मेरे भाई वर्सेस, वर्सेस आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन में क्या अंतर होता है। भाई आपूर्ति में परिवर्तन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरे भाई, आपूर्ति में परिवर्तन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मांग का परिवर्तन आपको बताया था। तो आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब क्या है, आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब यह है कि एक तो आपूर्ति में संकुचन, एक तो आपूर्ति में संकुचन, ये होता है। जहां भी आपको ये वर्ड दिखाई देना मेरे भाई, आपूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन, जहां मात्रा दिखाई दे वहां पर संकुचन और विस्तार होता है। तो आपूर्ति में संकुचन इसका मतलब होगा और आपूर्ति में इसमें क्या होगा, विस्तार। तो आपूर्ति में संकुचन और आपूर्ति में विस्तार, इसका भी एक फ्लो चार्ट मैं आपके लिए बनवा दूंगा, उसे आप नोट कर लेना। आपूर्ति में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वृद्धि और कमी, आपूर्ति में वृद्धि और आपूर्ति में कमी, संकुचन विस्तार वृद्धि कमी, मैंने आपको मांग में भी पढ़ाया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। आपूर्ति वक्र में विस्थापित क्यों होता है, आपूर्ति वक्र विस्थापित क्यों होता है भाई, विस्थापित का मतलब यह है कि आपूर्ति वक्र जो होता है हमारा, ये आगे की तरफ कब बढ़ता है और ये पीछे की तरफ कब खिसकता है, ये होता है वृद्धि और कमी के कारण। वृद्धि के कारण आगे की तरफ खिसकता है, कमी के कारण ये पीछे की तरफ खिसकता है मेरे भाई। जब भी आपूर्ति में वृद्धि होगी तो वक्र दाईं ओर खिसकेगा, आगे की तरफ खिसकेगा, है ना, और जब भी पूर्ति में क्या होगी, कमी होगी, तो पीछे की तरफ खिसकेगा। तो यही विस्थापित होने के कारण होते हैं क्या, आपूर्ति में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन आपूर्ति वक्र के विस्थापित होने का कारण होता है मेरे भाई। इतनी सी बात आपको याद रहेगी। चलिए बिल्कुल नॉर्मल सा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद क्लास भी हम ले ही लेंगे। आपूर्ति की लोच, आपूर्ति की लोच से बहुत कम क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा संकल्पना का क्या मतलब है। संकल्पना का मतलब यह है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपूर्ति की लोच का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ आपूर्ति की लोच का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसे हम कहते हैं SE, क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कैसे निकालते हैं मेरे भाई, पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति में, ये इसका फॉर्मूला होता है, पूर्ति में परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन होता है आपूर्ति की लोच। ये दिखाता क्या है कि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग, सॉरी पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है, यही हमें दिखाती है क्या, आपूर्ति की लोच। आपूर्ति की लोच क्या दिखाती है कि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, यह हमें बताती है आपूर्ति की लोच। इसके मापन का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बता दिया, एक इसके मापन का फॉर्मूला ये भी है, इसे भी आप नोट कर लेंगे कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये होता है आपका क्या फॉर्मूला, पूर्ति की लोच निकालने का, है ना। पृथक पृथक लोच वाले आपूर्ति वक्र, पृथक पृथक लोच वाले आपूर्ति वक्र कौन से होते हैं, अभी मेन में आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपूर्ति की लोच के निर्धारक तत्व कौन से हैं, तो ये आपूर्ति के जो निर्धारक तत्व होते हैं वही आपूर्ति की लोच के निर्धारक तत्व होते हैं। जैसे एक तो होता है फर्म की संख्या, अगर फर्म की संख्या बढ़ जाएगी तो आपूर्ति की लोच कैसी होगी, ज़्यादा लोचदार होनी शुरू हो जाएगी। फिर आता है दूसरा क्या, वस्तु की कीमत, एक होता है क्या, वस्तु की कीमत, डन। इसके अलावा एक होता है आपका क्या मेरे भाई, एक होता है आपका कारकों की कीमत, जो कारक हम उत्पादन में लगाते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके निर्धारक तत्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कच्चे माल की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो पूर्ति क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें वस्तु महंगी पड़ने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वस्तु बाजार में बेचने के लिए निकला, इसके अंदर कोई इंक डलती है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या डलती है, कोई इंक डलती है मेरे भाई, अगर इंक की कीमत बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली पूरे पेन की कीमत बढ़ जाएगी और इसकी पूर्ति मुझे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे पहले की तुलना में महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। डन, इतनी सी बात आपको होगी क्लियर। तो चलिए ये तो था बिल्कुल कंटेंट वाली बात, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि
आपके एग्जाम के लिए होने वाले जरूरी और कौन से चैप्टर से मेरे भाई, पूर्ति वाले चैप्टर में से। सबसे पहले तो आप ये बनाइए कि आपूर्ति, देखो मेरे भाई ये आपूर्ति तो आपको पता ही है, आपूर्ति मतलब सप्लाई। अब ये फ्लो चार्ट बना लेना, सारा कंटेंट ही आपको क्लियर हो जाएगा। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं मेरे भाई, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, और दूसरा होता है मेरे भाई आपूर्ति में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन। क्लियर मेरे भाई, यह है आपूर्ति मात्रा में परिवर्तन, इसे ऐसे लिख लेना। डन, इतनी सी बात आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी मेरे भाई, जल्दी बता दो। कह देना सर कि ये वाली बात हमें याद नहीं रहेगी तो मेरे को मजा आ जाएगा। डन, चलो तो यही दो क्वेश्चन पीछे थे जो मैं आपको बता रहा था कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके लिए, यही बात करूंगा मैं सबसे पहले तो भाई कि आपूर्ति में मात्रा में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसके दो पॉइंट आप इसमें यहाँ पे ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाएंगे अपना। पहला तो होता है इसमें संकुचन, पहला क्या होता है आपूर्ति में संकुचन, दूसरा होता है आपूर्ति में भाई विस्तार। ठीक है, इसमें भी दो बनाएंगे आप, एक तो बनाएंगे आप आपूर्ति में वृद्धि और दूसरा बनाएंगे आप आपूर्ति में कमी। याद रहेगी इतनी सी बात आपको, आपूर्ति में संकुचन, आपूर्ति में विस्तार, वृद्धि और कमी। संकुचन की अगर बात करें तो जब वस्तु की कीमत घटने से आपूर्ति घट जाती है तो उसे कहते हैं क्या, संकुचन। जब वस्तु की कीमत घटने से, डेफिनेशन लिखना, पूर्ति में संकुचन से आप क्या समझते हैं, जब वस्तु की कीमत घटने से पूर्ति घट जाती है तो उसे हम कहते हैं क्या, संकुचन। और याद रखिए संकुचन हमेशा किसके कारण होता है, कीमत कम होने के कारण, कीमत कम होने के कारण। जब कीमत कम होने के कारण पूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे संकुचन कहते हैं। विस्तार क्या होता है, जब कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाए, जब कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाए, तो याद रखिए पूर्ति में विस्तार उसे ही कहते हैं जब कीमत बढ़ने के कारण क्या हो, बढ़ने के कारण, जब कीमत बढ़ने के कारण क्या हो भाई, इसमें तो यहाँ पे लिख लेना इस तरीके से, आप इसे नोट करेंगे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। कीमत बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तेरी कलर क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, कीमत कम होने के कारण यहाँ पर पूर्ति क्या होती है मेरे भाई, कम होती है, और यहाँ पर कीमत बढ़ने के कारण पूर्ति क्या होती है मेरे भाई, बढ़ती है। इसे ही हम कहते हैं संकुचन और विस्तार, इसे ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे ही हम कहते हैं संकुचन और विस्तार। याद रहेगी इतनी सी बात, संकुचन और विस्तार समझ में आ गया, डेफिनेशन लिख लो भाई। संकुचन का मतलब होता है जब वस्तु की कीमत कम होने से पूर्ति कम हो जाती है, और विस्तार का मतलब होता है जब कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं विस्तार। अब बात करते हैं मेरे भाई वृद्धि की, अब थोड़ी सी बात करो आप मेरे भाई वृद्धि की, वृद्धि का मतलब क्या होता है। देखिए जब कीमत अन्य कारणों से पूर्ति बढ़े, जब अन्य कारणों से क्या हो, पूर्ति बढ़े, तो उसे कहते हैं वृद्धि। और जब हम अन्य कारणों से, सेम यहाँ पर भी क्या होगा, अन्य कारणों से, किसको छोड़ के, कीमत को छोड़ के, अन्य कारणों से पूर्ति घटे, क्या हो मेरे भाई, पूर्ति घटे, तो उसे हम कहते हैं क्या, कमी। तो वृद्धि और कमी में आपका अंतर समझ में आया, यहाँ पर क्या रहती है, कीमत स्थिर, यहाँ पर क्या रहती है, कीमत समान या कीमत स्थिर रहती है, आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे कि यहाँ पर कीमत क्या रहती है मेरे भाई, कीमत रहती है समान। डन, तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था मेरे भाई, कि वृद्धि क्या होती है और कमी क्या होती है। चलिए डायग्राम को आप बना लेंगे, और इतना सा आपको चीज़ें याद रखनी है कि क्या इनमें अंतर होता है। आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आपसे कहेगा इन दोनों में अंतर बताओ, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डन मेरे भाई, समझ में आ गया। अब मैं इनकी एक बार डायग्राम और बना देता हूँ, फिर इस क्लास को करेंगे हम ओवर। क्लियर, आवाज मेरी साफ साफ आपको सुनाई दे ही रही होगी। देखिए चार डायग्राम आप बनाएंगे, चलो आठ डायग्राम बनाने के लिए ना लाइंस का यूज करते हैं। देखो उम्मीद है आपको लाइंस दिखाई देंगी, दिख रही है, चलो इस पर तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, अपनी लाइन ठीक है। देखो ये पूर्ति वक्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे मात्रा, यहाँ पे क्या लिखेंगे मात्रा, यहाँ पे आप लिखेंगे कीमत,
हो इतना बड़ा मत लिखो, छोटा सा लिखो इसे। यहाँ पर क्या लिखोगे? कीमत। लिख लिया। अब सबसे पहले संकुचन विस्तार, संकुचन का बना लो चाहे विस्तार का बना लो, पहले विस्तार का बनाओ। फॉर एग्जाम्पल कीमत पहले यहाँ थी तो मात्रा कहाँ थी? यहाँ थी भाई। नाम दे दो इसे, क्यों नाम दे दिया? इसे पी नाम दे दिया। अब कीमत बढ़ गई, कीमत यहाँ बढ़ के यहाँ पहुँच गई। तो कीमत बढ़ने से जब पूर्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या पूर्ति बढ़ी? बिल्कुल बढ़ गई। पूर्ति बढ़कर Q1 हो गई तो कीमत बढ़कर P1 हो गई। तो कीमत के बढ़ने से पूर्ति का बढ़ना पाया जाता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यहाँ बॉक्स में आप मुझे लिख के बता दो, चलो अपने आप लिख लो क्या कहते हैं इसे। डन, ये आपका होमवर्क है। अगले की बात करते हैं, अगले डायग्राम पर पहुंचो। ये क्या गया? इस पर फोकस करो, ये वाई। अच्छा यहाँ पर एक्स और वाई नहीं लिखा, एक्स वाई और जीरो ये जरूर लिखना मेरे भाई वहां पे, वरना ज्यादा अजीब हो जाएगा। ये हो गया मात्रा, ये हो गई आपके भाई कीमत। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? पूर्ति वक्र एस। भाई इस बार हमें क्या दिखाना है? संकुचन दिखाना। मान ली कीमत पी थी तो इसके हिसाब से सप्लाई कितनी थी? क्यों थी भाई? क्लियर है इतनी सी बात तो हमें। अब कीमत घट गई, कीमत क्या होगी मेरे भाई? घट गई। लो भाई कीमत घटा दी हमने तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी मेरे भाई? घट जाएगी, क्योंकि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दो बातें आपको नोट करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बिंदु ए से लेकर बी तक क्या हुआ है? विस्तार। यहाँ पर बिंदु ए से लेकर बी तक क्या हुआ? विस्तार हुआ है। ये किस में विस्तार है? पूर्ति में विस्तार। डन। और यहाँ पर बिंदु ए से लेकर बी तक, या फिर हम इसे कहेंगे बी से लेकर ए तक, यहाँ पर उल्टा होगा। बी से लेकर ए तक यहाँ पर क्या हुआ है मेरे भाई? यहाँ पर हुआ है संकुचन। यहाँ पर क्या हुआ है मेरे भाई? संकुचन। संकुचन नीचे की तरफ होता है, विस्तार ऊपर की तरफ होता है। दोनों डायग्राम याद रहेंगे, जल्दी बनाओ इन्हें। इधर मैं तीसरा डायग्राम आपका बना के तैयार करता हूँ। देखो अब, देखो अब मुझे क्या करके दिखानी है? वृद्धि करके दिखानी है। तो वृद्धि की कंडीशन में होता क्या है मेरे भाई? वृद्धि की कंडीशन में होता यह है कि वृद्धि की कंडीशन में ये जीरो होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये तो कीमत होती है मेरे भाई। डन। और ये होती है आपकी मात्रा। ठीक है, तो वृद्धि की कंडीशन में कुछ नहीं होता। वृद्धि की कंडीशन में कीमत तो आपकी हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। कीमत तो पी पर ही रहेगी, लेकिन अचानक क्या हो जाएगा? आगे की तरफ खिसक जाएगा S1। डन। अब ये क्या हुई है? वृद्धि। जब दाईं ओर खिसके तो इसे कहते हैं हम वृद्धि। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि का डायग्राम तो होता है ये, बनाओ इसे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप देख पाओ तो पहले पूर्ति कहाँ थी भाई? पहले पूर्ति यहाँ थी क्यू पर, जबकि पी तो सेम है हमारा, और अब पूर्ति कहाँ पहुँच गई? Q1 पर। तो पूर्ति तो बढ़ गई मेरे भाई, पूर्ति क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन क्या कीमत बदली? नहीं। तो बिना कीमत बदले जब पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे ही हम कहते हैं क्या? पूर्ति में वृद्धि। अब बात करते हैं पूर्ति में कमी की मेरे भाई। अब छोटा सा फोकस करो आप पूर्ति में कमी का। भाई फॉर एग्जाम्पल पहले पूर्ति यहाँ थी, ये एस थी, तो कीमत तो अपनी सेम रखनी है हमें भाई। कीमत तो क्या करनी है अपनी? सेम रखनी है हमेशा की तरह। ठीक है, अब पीछे की तरफ इसे खिसका दो। ये हो गया पीछे की तरफ खिसक गया, ये S1 हो गया। तो पहले पूर्ति कहाँ थी मेरे भाई? पहले पूर्ति थी क्यू पर, अब पूर्ति पहुँच गई Q1 पर। तो पीछे की तरफ ये जो पूर्ति खिसकी है कीमत के बिना बदलाव के, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं पूर्ति में कमी। तो उम्मीद है चारों डायग्राम भी आपको क्लियर हो गए होंगे, क्लास आपको वास्तव में पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास वास्तव में पसंद आई है तो ये सब्जेक्ट कोड की आज की लास्ट क्लास है। आज के लिए कल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।